इट कॉज मी मेडिकल इंजरीज, आई डोंट टेक दोज एलिगेशंस, जो भी लगाए गए हैं सारे के सारे रद्द हैं। अगर तुम्हें वो चीज अग्रेशन लग रही है, लोग फिर भी वहां पे खड़े हैं, दे वर नॉट लाइक कि डॉक्टर बुला लो, खून तो नहीं निकल रहा। आई थिंक शी इज रियली गुड ऑफ कैमरा। और ऑन कैमरा क्यों नहीं? अपने गेम के चक्कर में उनको मेरा करेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए था। देखा, आ गई, उससे पहले गाली भी देती है वो। तो मैं भी तो बोल रही हूँ, तुम मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अगर भूमिका ने उसको गेम खेलना सिखाने वाली इन्फॉर्मेशन दी, और प्रियंका ने उसको मेरी प्राइवेट वल्नरेबल, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी ऑन स्क्रीन दिखा, मेरी जॉ लाइन पे मारा था, मैंने ये चीज ना हाईलाइट नहीं करेंगे, रोडीज छोड़ के चले जाएंगे। यार मेरे को ना बानी जी का जो अभी किसी को डेट कर रहे हो, वो कहते हैं कि यू हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पल्लवी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी, मुझे कोई हक नहीं है किसी की भी पर्सनल लाइफ। फ्लोटिंग विद सच पल्लवी वाज मे बी मे नॉट बी, हमको इस वाले सेगमेंट में नहीं जाने का है। रहे हो आप, देख रहे हो ना, वहां तो देखो कि देन एंड देयर आई शुड हैव पुट एन अ स्टॉप। जैसे आपके हाथ चलते हैं ना, वैसे आपको मुंह चलाना चाहिए था। शो में कहीं ना एक बारी के लिए एक वीक मुकाम आई, ये ना टेंट में आके ना मुझे वो शॉक, ये कब हुआ प्रिंस भाई? जब आपको पता ही था आपने मुझे गैंग में लिया है क्यों? मतलब बचपन में एक्चुअली मेरे को अलाउड नहीं था रोडीज देखना। Hi guys, what is up? Welcome back to my YouTube channel. This is your founding father and I have the very special guest today, PU Sharma. PU, आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी मुझे, लोगों ने मुझे लिटरली स्टोरीज पे टैग किया कि PU को बुलाओ, PU को बुलाओ, वी वांट टू नो हर साइड ऑफ स्टोरी, हर साइड ऑफ स्टोरी। तो यहाँ पे हम स्टोरी वोरी तो नहीं करेंगे, मैं रियली चाहती हूँ कि जो मैंने क्वेश्चंस बनाए आप उनसे लोगों को इंस्पायर करो, जिससे पहले मैं अपने क्वेश्चंस आप पे थोपू इनडायरेक्टली, तो आप मेरे को ये बता दो आपकी जर्नी कैसी थी, कोई रिग्रेट है आपको, कुछ भी आप शो के रिलेटेड बताना चाहते हो। सो माई जर्नी वॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल रोडीज पे आना ही एक बहुत बड़ा मकाम है, यू नो प्लेटफॉर्म है, इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कि रोडीज के प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, एंड दे जस्ट वॉन्ट टू शो केस देयर टैलेंट एंड यू नो दे वॉन्ट टू प्रूफ, एंड आई डोंट नो, बहुत सारे लोग प्रूफ करना चाहते हैं, उन्हें पता होगा कि उनका पर्पस क्या है प्रूफ करने का, मैंने सिर्फ प्रूफ, आई वांट टू प्रूफ, करना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। सो दिस वाज रियली वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर मी एज अ बॉक्सर, कि यहाँ पे मैं आई, मैं अपना टैलेंट शो केस कर सकी, अपने स्पोर्ट को दिखा सकी यहाँ पे, एंड उसी के साथ अपने आप को और इतने सारे लोगों का प्यार भी मिल पाया मेरे को, जो कि मेरे को उम्मीद नहीं थी। रोडीज पे मेरे को इसलिए आना था क्योंकि मैं बचपन से रोडीज देखा है, जैसे सबने देखा है, बचपन से देख रहे थे रोडीज, मतलब बचपन में एक्चुअली मेरे को अलाउड नहीं था रोडीज देखना। हाँ, हाँ, मेरे को अलाउड नहीं था कि ये वाला शो नहीं देखना, जब रघु राघव सर होते थे वहाँ पे, वहाँ फुल पावर चलता था, बीप 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 बीप, तो मेरे घर वाले ने बोला जो देखिए नहीं देखना। रणविजय वाला देखा था आपने? हाँ जी, रणविजय वाला देखा मैंने, एक्सट्रीम वाला देखा होता। यार रणविजय सर इज लाइक, उनको देखने में ही हो जाता है ना कि हाँ, बिकॉज दैट्स हाउ 7-8 years से वो इस शो के एक फेस रह चुकी हैं काफी टाइम से, एंड इस बारी मैं आई तो वो नहीं थे, बट ठीक है, जो थैंक गॉड मैंने स्प्लिट्सविला कर लिया रणविजय सर पे, वरना मैं नहीं, मुझे तो वही चाहिए थे, मैं तो पैदा हुई हूँ देखते देखते स्प्लिट्सविला, यार मेरे को रणविजय सर चाहिए। लकी यू। आपको रिग्रेट है शो के अंदर? रिग्रेट जब आउट हुए तो कैसा था, इमोशन क्या था आपके अंदर टीवी पे जब आपने देखा? टीवी पे जब मैंने देखा तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वो चीज़ पहले हो चुकी है, एंड जब वो चीज़ हुई थी उस वक्त, उस दौरान जब हुई थी, सो अकेली थी मैं उस वक्त, राइट, वो मेरी जर्नी थी और सोलो मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया आज से तकरीबन 3 महीने पहले, बट अब जब मैं देख रही थी, अब मेरे पास तकरीबन 70-80 हज़ार लोग हैं जो कि मेरे साथ देख रहे हैं, एंड द अमाउंट ऑफ इमोशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज हायर, सो अब जब मैं एलिमिनेट हुई तो मुझे लगा शिट यार, मैंने सिर्फ अकेले अपने को डिसअपॉइंट नहीं किया, 70,000 लोगों को डिसअपॉइंट करा ये, बिकॉज दोस पीपल वो हार्ट ब्रोकन, आई एम गेटिंग टेस्ट कि मेरे को रोना आ रहा है, ऐसे में रोडीज देखना छोड़ रही हूँ वगैरह, यू डिजर्व चांसेस एंड ऑल लाइक स्टफ, बट ठीक है, जितना था बढ़िया था, एटलीस्ट मेरे को चांस मिला, मुझे आप लोग मिले जो कि मुझे प्यार करते हो, मेरे को सपोर्ट करते हो, जहाँ मैं नहीं बोल पाती हूँ वहाँ पे आप बोलते हो, एंड दैट्स आर USP एंड दैट्स आर बॉन्ड। मेरे फैंस बहुत लॉयल है, बहुत लॉयल, मतलब मेरे को तो आए हैं टेक्स्ट 2-4, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ मैसेजेस, मतलब दे लव यू, दे जस्ट फील दे इंस्पायर्ड, दे गेट इंस्पायर्ड बाय यू, दिस इज जब आप, अगर आप शो कर आ रहे हो और आप लोगों को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हो ना, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप वो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में आ नहीं सकते। इनफैक्ट मैंने भी जब आपको देखा, मतलब आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग सीखनी है। हाँ सच में लगता है, मतलब मेरे को कभी आज तक जिंदगी में किसी को देख के ऐसा नहीं लगा, स्पेशली रोगी स्पिट्सला टाइप लोगों को, मतलब मेरे दोस्त हैं उन सबसे मैंने कुछ ना कुछ, जैसे कोई फैशन में अच्छा है, कोई मॉडलिंग में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, आपको देख के पता है मुझे पहली बार कुछ फिजिकल टाइप में लगा कि बॉक्सिंग सीखनी है। बस फिर पीयू ने मुझे प्रॉमिस किया कि पीयू मुझे बॉक्सिंग सिखाएंगे,
तुमने प्रॉमिस किया है कि फियो इनको भर्ती करवाएंगी, जाए कंसिस्टेंसी से जाए और शो अप करे. आई विल मेक श्योर ऑफ दैट. आई रियली वांटेड यू टू विन द शो. कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ रोडीज स्प्लिट्सविला में इसलिए जाते हैं ताकि मतलब टिक जाए, फेम मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फेम रिस्पेक्ट जो भी उन्हें चाहिए होता है. आप किस लिए गए थे रोडीज में? आपको फेम चाहिए था? मेरे को पता नहीं था ये सब भी चीजें आने वाली है साथ क्या के बात साथ. कर रहे हो? थोड़ा अब मैं क्या बोलूं, बट दिस इज द रियलिटी. मेरे को नहीं पता था कि इतने सारे फॉलोअर्स आएंगे. मेरे को ये था कि हाँ लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे, प्यार देंगे एंड ऑल दैट. बट जिस मैग्नीट्यूड पे जाके अब मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ और जितने लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन और इतना सारा प्यार और सपोर्ट आता है, मुझे वो मैग्नीट्यूड का आइडिया नहीं था. तो आप गए किस लिए थे? मैं गई थी क्योंकि मुझे रोडीज में जाना था. आज आप रोडी बनना चाहते थे? यस, आई वांटेड टू बी अ रोडी. आई वांटेड द टैग. द टैग. हाँ, कौन नहीं चाहता है रोडीज पे जाना, यू नो. एंड दैट वाज माय ड्रीम. फेम तो मैं ले इन कैश कर रही हूँ. आप फेम मिल रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे को नहीं पता था इस तरीके की चीजें होंगी. आई वाज नॉट प्लान फॉर दिस सोशल मीडिया स्टफ एंड ऑल दैट. मुझे ये था कि हाँ मैं टेलीविजन पे जा रही हूँ, मैं टेलीविजन पे दिखूंगी. मुझको इतना श्योरिटी था. एंड टेलीविजन पे दिखना बहुत बड़ी बात होती है, यू नो. बस यहीं तक का मेरे को पता था. एंड सोशल मीडिया के साथ जो लोग आए वगैरह, ये जो अब यू नो प्रमोशंस वगैरह आ रही है, कोलैबोरेशन, दिस इज ये ऑनेस्ट आंसर है वो. अब जब आपको फेम मिल गया है, तब आप जाते हो तो आपको आते हैं लोग, मैम बिग फैन, मैम बिग फैन. अभी तो वैसे तो क्या ही फेम मतलब, बट हाँ कुछ कुछ लोग आ जाते हैं. दे लाइक अब पीहू हो ना, अब पीहू हो ना. तो क्या बहुत सबसे सारे अच्छी चीज क्या बोली आपको फैन ने? अगर कोई आपको मिला है कोई बाहर, वो सबसे अच्छी चीज क्या बोली आपको? आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू. मैंने भी बोला ही आपको. हाँ, सो ये काफी मेरे को अक्सर सुनने को आता है कि यू आर प्लेइंग वेरी वेल एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू. आपको देख के अच्छा लगता है स्क्रीन पे. एंड मेरे को भी बॉक्सिंग सिखाओगे क्या? तो काफी तो कॉमन यही है कि मेरे को भी बॉक्सिंग पता है सिखाओगे फन क्या. फैक्ट, मेरा केविन भी बहुत अच्छा फ्रेंड है और केविन आई थिंक एमएमए करता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी करता है, बट आई डोंट थिंक ही इज अ बॉक्सर बॉक्सर, बट वो एमएमए करता है. वो स्टोरीज पे डालता है, वो प्रमोट करता है मुझे. हालांकि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट आई एम नॉट शाई टू से दैट कि मैं, वो कभी मुझे इंस्पायर नहीं कर पाया कि मुझे एमएमए करना है. बट जब मैंने आपको रोडीज में देखा ना, मुझे लगा यार स्ट्रेंथ और सेल्फ डिफेंस की कितनी जरूरत है यार एक औरत को उनकी जिंदगी के अंदर. True, true, एंड true. दैट्स समथिंग वेरी ऑनेस्ट. वो चीज आपको सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको साइकोलॉजिकली भी और टफन अप करती है. एंड टफन अप से मतलब ये नहीं है कि आपकी फेमिनिटी ले लेती है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. आपको टफन अप करती है इन टर्म्स ऑफ टू फेस दिस सिचुएशंस एंड सिनेरियो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यार मैं टूट गई, बट आपको जस्ट यू हैव टू ट्राई इट अगेन, यू नो. देन यू ट्राई इट अगेन, देन यू ट्राई इट अगेन. बिकॉज जस्ट आपको लगे कि 5 बार ही ट्राई किया एंड दैट्स इनफ, नहीं ऐसे नहीं होता है. व्हेन यू आर लर्निंग बॉक्सिंग और यू आर लर्निंग टू लिफ्ट और यू आर लर्निंग एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स और एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, आपको वहाँ से एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है टू ट्राई अगेन, टू ट्राई Never अगेन give up. एंड नेवर गिव अप. Sportsmanship. यस, फॉर योर ओन सेल्फ एंड नॉट टू जो कि फॉर आपके अदर पीपल. एक्सपीरियंस में काम आती है फ्यूचर में. यस, जो पीयू विदाउट एनी फर्दर रिडू. थोड़ी बहुत हाँ आइस ब्रेक कर लिया हमने पीयू के साथ, अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं. ठीक है, आप ऐसे बोल रहे हो कुछ धमाके के देने वाले हो. आपको पता है मेरे चैनल पे आए हो, नो ब्रेनर है. ठीक है पीयू, पहली आप पे एलिगेशन ये लगी हुई है कि पहली आप पे एलिगेशन ये लगी हुई है कि आप फिजिकल हो जाते हो लोगों के साथ. आपने आपकी एक्स ने लगाई थी जो कि शो पे आई थी, उन्होंने ये बोला था कि इनकी हैबिट है हाथ उठाने की. मेरी हैबिट है, आपकी हैबिट है हाथ उठाने की. तो मैं चाहती हूँ आप अपने आप को इस बात पे क्लैरिफाई करो. मैं तो बची हुई हूँ गाइस, सो आई डोंट थिंक दैट इज बची हुई हूँ. ये कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है यहाँ? नहीं मतलब मेरे को मतलब शी स्वीट टू मी मतलब था. तो आप मुझे बताओ कि ये क्या एलिगेशन है कि दिस इज अ रूमर? दिस इज एज यूजुअल, जिस इंसान से आया, देखो शब्दों की ना क्रेडिबिलिटी होती है और क्रेडिबिलिटी एक इंसान खुद बनाता है. तो अगर जो जो जिस भी इंसान का ऑडियंस है, जिसने भी ये शब्द दिए हैं और उसकी ऑडियंस है, अगर वो क्रेडिबिलिटी बना पाए हैं तो परसेप्शन है. मैं किसी का परसेप्शन चेंज नहीं कर सकती, पर जहाँ तक उनकी बात की बात रही, क्या मैं अग्री करती हूँ? नहीं, मैं अग्री नहीं करती हूँ. वो जो इंस्टेंस आप सब लोगों ने हमारे पीआई में सुना था, वो कहीं ना कहीं पूरे कट में नहीं दिखाया गया है. बट अगर हमारा हाथ उठा था तो सामने से उस इंसान ने भी हाथ उठाया था, और सिर्फ हाथ नहीं उठाया था, यूकेलिली उठाया था. एंड आई डोंट वांट टू गो फर्दर इनटू इट बिकॉज इट डिड कॉज मी मेडिकल इंजरीज, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. एंड ये मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे को बोलने से डर लगता है या फिर वो चीज़ें हैं. मैं सिर्फ जो चीज़ें मैं लाइफ में 1.5 साल पहले छोड़ चुकी हूँ, उसको सोशल मीडिया पे आके हवा बनाना, उस चीज़ का यूज़ करना जस्ट टू गेट कॉन्ट्रोवर्सीज एंड TRP, दैट इज समथिंग आई एम नॉट अप फॉर एंड आई डोंट फील कम्फर्टेबल विद. ना मैं अपने जब PI पे थी तब कम्फर्टेबल फील कर रही थी उस पूरे दौरान, इसलिए मैं बोल नहीं पाई. समझिएगा कि मेरे पास बोलने के लिए पॉइंट्स नहीं थे या फिर मेरे पास बातें नहीं थी बताने के लिए.
इट्स जस्ट आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो अपनी लाइफ को आगे रख के उससे कॉन्ट्रोवर्सीज निकाले. जब इंसान आपका करंट सेल्फ से कुछ निकाल नहीं पाता है ना, तो आपके पास्ट में जाता है एंड एवरीबडी हैज अ पास्ट. सो आई डोंट टेक दोज एलिगेशंस जो भी लगाए गए हैं, मुझे लगता है वो सारे के सारे रद्द हैं. जो भी मैं हूँ, आप भी मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और लोगों ने भी मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है. सो मुझे कभी अपने क्लोज वन से, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, उन लोगों ने मेरे को कभी ऐसी बातें नहीं बोली हैं. ऑल्सो मुझे पीयू के बारे में एक बात बोलनी है जो मुझे अच्छी लगी. इनसे मेरी ऑफ कैमरा बात हुई थी, उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी सी चीज़ बताई जिससे मैं रिलेट करती हूँ, कि अगर आप किसी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, नो मैटर अब डिफरेंसेस हैं या लड़ाई हो गई है या किस लेवल पे चले गए लोग, बट आप अपना अपने आप को डिसग्रेस कर देते हो जब आप उन लोगों पर उन्हीं के एक्यूजेशन को काउंटर बैक कर देते हो. तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर वो आदमी गिर रहा है तो उसने उस वक्त का रिस्पेक्ट नहीं किया. यू नो आई हैड सच अ गुड टाइम, आई वांट टू चेरिश इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, व्हाटएवर द मेमोरीज. या मेमोरीज उनको आप गंदा नहीं करना चाहते. तो बेसिकली दिस इज एन एलिगेशन ऑन पीयू. ऑल्सो पीयू, इसी का एक क्वेश्चन है मेरे को जो आपसे पूछना है. लड़कियां बोलती हैं कि पीयू इज लाइक वो वायलेंट हो जाती है, वायलेंट हो जाती है. बहुत सारी लड़कियों की लाइक मेरी कुछ दो तीन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझको ऐसे बोला कि वायलेंट हो जाती है पीयू, वायलेंट हो जाती है. किसी ने कुछ अच्छा बोला है मेरे बारे में? डू यू थिंक वुमेन आर इंटिमिडेटेड बाय यू? डू यू थिंक जैसे आपने मुझे एक पॉइंट बोला था ऑफ कैमरा कि अगर भव्या इनको ये पावर दे दी जाए कि अगर मैं बॉक्सिंग सीख, सपोज मैं अपने एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे अगर बॉक्सिंग सिखा दी जाए, ठीक है, तो क्या लगता है कि आपको, कि मैं आपसे, वैसे तो मैं आपसे अभी भी इंटिमिडेट नहीं हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत स्वीट हो, आई जस्ट थिंक लाइक यू गिव पॉजिटिव वाइब्स वेयरएवर यू गो, बट उन लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आपसे इंटिमिडेट होके या सॉर्ट ऑफ जेलेसी में बोल देती हैं कि हाथ उठा देती है, हाथ उठा, बिकॉज ये मुद्दा ही नहीं है कोई, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूं? कितने हाथ उठा लिए मैंने पूरे शो में, मतलब एक लड़के के अगेंस्ट ही था जो था #crybaby. तो उसके अलावा क्या था? वो भी टास्क था, टास्क के बीच में चल रहा था और उससे पहले भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म हुए हैं जहाँ पे, एंड रोडीज इज अ टफ प्लेटफॉर्म. पास सीजन में लोगों के हाथ टूट चुके हैं, पाउंड टूट चुके हैं, लोग फिर भी वहाँ पे खड़े हैं, दे वर नॉट लाइक कि डॉक्टर बुला लो, खून तो नहीं निकल रहा, राइट? सो आई थिंक यू केम ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज नॉट अ लग्जरी प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपको वो चीजें नहीं होने वाली है. Yeah, it requires, the concept is like that. Just because judges change ho gaya, that doesn't mean ki show ka wo cheez change ho chuka hai, you know. Judges bhi aaye, yes, format change ho gaya. So show abhi bhi wahi hai, roadies hi hai. It is for the people who are raw there. So and aap raw ho. I am raw at the jahan tak rahi aggression ki, rawness aur aggression mein fark hai par. Rawness is you are who you are, but jahan pe hum aggression ko le aate hai na is cheez ke beech mein, aap kahin na kahin bande ko na tag kar rahe ho. आप टैग कर रहे हो ये अग्रेशन है, जस्ट बिकॉज मैं पॉइंट पुट फॉरवर्ड रख रही हूँ और मैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पुट, मैं नहीं मान रही तुम्हारी बात, तुमने आके मेरे को बोला कुछ, तुमने आके बोला कुछ, कहीं ना कहीं मुझे अंदर से गट फीलिंग है नहीं, मेरा जो पॉइंट है वो चीज सही है एंड आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय इट. अगर तुम्हें वो चीज अग्रेशन लग रही है, सो आई एम सो सॉरी फॉर यू, क्योंकि मुझे लगता है कभी आप अपने लाइफ में पॉइंट रख नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको बेंड होना पड़ा एंड I'm sorry for that, but मुझे लगता है अगर मैंने अपना कोई point रखा है, so I will stand on my point till my neck is slide down. क्योंकि अगर मुझे लगती है वो चीज़ सही है तो वो सही है, अगर वो गलत है तो मैं इतना भी साहस रखती हूँ कि मैं sorry भी बोल सकती हूँ on the spot. तो मुझे कोई sorry बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने देखा है काफ़ी लोगों को sorry बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं एंड वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि आप इंसान ही हो एंड भगवान नहीं हो, इंसान के होने के नाते आपसे गलतियाँ भी हो सकती हैं. तो जब गलती हो तो सॉरी बोलो और आगे बढ़ो, एंड ऑडियंस को भी बहुत ढंग से पता है कि सामने जिसको हम देख रहे हैं वो भी इंसान ही है. तो अगर मुझसे कभी कुछ गलत हुआ है तो मैं उसके लिए दिल पे हाथ रख के सॉरी बोलने के लिए रेडी हूं. तो आपको लगता है जैसे अभी आपने ट्राई में भी बोला ऋषभ को, आपको लगता है आपने कुछ गलत किया उसके अंदर? मेरे को नहीं, पर्सनली मेरे को नहीं लगता, मुझे लगता है वहां पे मुझे मिस हैंडल किया गया था एंड काफी लोग बोलते हैं ये वाला पॉइंट कि ही वाज जस्ट ट्राइंग टू वेस्ट टाइम एंड ऑल दैट स्टफ. मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू वेस्ट टाइम, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दैट आई शुड लेट यू वेस्ट माय टाइम? That I should just lie down and you can just grab me, or मैं खड़े होने की कोशिश ना करूं? I think Piyu, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्योंकि आप एक लड़की हो और आपने हाथ उठा दिया तो वो आप पे आ गई बात. मैंने हाथ भी नहीं उठाया, सच बोलूं भव्या, मैंने ना चोक भी नहीं, चोक ये नहीं होता है, चोक होता है जो होता है प्रॉपर, चोक में गर्दन हाथों के बीच में होती है. अच्छा. मैंने उसको सिर्फ पुश ऑफ किया था. अब अपेरेंटली जब हम सर्कल ले रहे थे वो चीज हुई तो उसकी नेक आ गई, आने के लिए उसकी चेस्ट भी आ सकती थी, ठीक है, बट उसका नेक आ गया वहां पे. अब वो आ गया तो आ गया ना, मैं भी तो रुड़ रही हूँ वहां पे, उसने भी तो मेरे को उठा के फेंक रहा है वहां पे, हाथ नहीं छोड़ रहा है, पाँव से गिरा रहा है वगैरह, एंड
मेरे साथ मल्टीपल चीजें हो रही है, उसके बाद वो जो रिएक्शन निकला वो मेरा इम्प्रोम्प्टो सेल्फ डिफेंस पे मैकेनिज्म था कि भाई छोड़ दे, बाल्टी नहीं है हाथ पे, बाल्टी बहुत बड़ी होती है, आई विल से दैट अगेन, यू कैन फील इट इवन इफ यू कांट सी इट, यू कैन हियर योर गैंग लीडर्स वर्ड जो बोल रहे हैं उसके हाथ में बाल्टी नहीं है, छोड़ दे, अगर आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो दैट इज नॉट समथिंग जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. Basically, you are doing your self defense in यस your defense एंड ऑल्सो ट्राइंग टू सेव टाइम एंड सेव माई and यू win नो the task. फेलो गैंग मेंबर जो कि एट रिस्क पे था, वहाँ पे वो जा सकता था वहाँ से बाहर, हमारी गैंग वीक हो सकती थी, सो आई हैड टू परफॉर्म इट, आई हैड टू यू नो गिव माई बेस्ट. In yours and Bhumika's fight, Bhumika said that PU acts different off and on camera. पूरा सीजन करने के बाद और भूमिका को बहुत ही क्लोज दायरों में देखने के बाद और दायरों, भूमिका I like this, दिल को सीखनी है ये. जानने के बाद, तो सबसे पहले तो आई डोंट नो वो मुझे कितना जानती है, मुझे लगता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती है, बिकॉज जब हम शो में स्टार्टिंग में मिले थे, पीआई में मिले थे, एंड वहाँ पे जितनी भी थोड़ी बहुत बातचीत रही होगी उसके बाद उसने सारी बातचीत प्रियंका से ही रखी है, और जितना भी उसको कम्युनिकेशन रखना था वही हुआ है शो के अंदर. शी नेवर केम अप टू मी एंड शी नेवर आस्क, देख उसने मेरे को ये बोला है तो ये क्या सही है क्या, क्योंकि अगर वो उसको चांस दे रही है एज अ न्यूट्रल पर्सन एज शी क्लेम्स, तो उसे मुझे भी चांस देना चाहिए ना कि पीयू ये सारी चीजें चल रही है सब सही है, बट शी नेवर केम टू मी, शी जस्ट टुक स्टफ फ्रॉम देयर, शी टुक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड उसने वहीं पे अपनी आइडियोलॉजी बना ली एंड उसी के ऊपर उसने अपना परसेप्शन भी डेवलप कर लिया, एंड सॉरी टू से तुम्हारा परसेप्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एंड प्रियंका के मुंह से कोई भी बात निकली हुई मतलब अच्छी हो या बुरी हो मेरे बारे में, मैं दोनों को ही नहीं लेती, मतलब शी डजंट नो मी इनफ दैट वो मेरे बारे में कुछ भी बोल सके, एंड उसके साइड से कोई भी आती हुई बात ना मैं लिटरली मतलब 100% डिसरिगार्ड. एनर्जीज होती है ना, तो मैं 1% एनर्जी भी नहीं देना चाहती उसकी बात को, बिकॉज पर्सनली मेरे को बिट्रेड फील हुआ है, एंड कहीं ना कहीं मुझे जो उसने अपनी बातें बताई थी अपने रिलेशनशिप्स को एंड ऑल को लेके, एंड वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगी जो उन्होंने बोला और जो उन्होंने किया शो पे उस चीज़ के ऊपर, एंड ऐसे लोगों से मैं थोड़ा दूर रहूँ तो ज़्यादा बेटर ही रहेगा So मेरे basically, पर्सनल. what when she says that you're on and off, मैं तो नहीं मानती. I think she's good off camera. I think she's really good off camera. और ऑन कैमरा क्यों नहीं? क्योंकि ऑन कैमरा मुझे आप इस स्वीट हो. ऑन कैमरा ना मुझे ऐसा लगा कि आपको ना थोड़ा जो आपकी पर्सनालिटी है बट वो आपकी बहुत लिमिट, एक आपका कैरेक्टरिस्टिक है अंदर का. तो ओके एग्जीक्यूशन बहुत प्यारी है हालांकि टीवी पर आपकी, बट मुझे ऐसा लगता है इन रियल लाइफ यू आर लाइक अ कोकोनट. यू लाइक स्ट्रॉन्ग एंड ऑल बट आपका दिल साफ है भाई. अगली बैठी बैठी मेरे को ज्ञान दे गई लाइफ के बारे में. मजाक चल रहा है यार गाइस. हैशटैग ज्ञान. ओके भूमिका, अब नो ओ भाई भूमिका ही क्वेश्चन है. मैंने आपको भूमिका बोल दिया यार. ये ना आप मेरे को प्रियंका मान भी लो बोला था इसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले, ये मेरे को बुला यार, के और ये पता रोटी रोटी करके मेरा गेम खराब हो रही है लाइफ की. पता है मेरा नाम भाई, आई लव यू यार. ऐसी क्या बात हो गई. डिड यू नो भूमिका बिफोर द शो? पीआई में मिले थे एंड नॉट बिफोर दैट. शो के अंदर भी आपने ज्यादा इंटरेक्शन किया नहीं इनसे? भूमिका से नहीं मेरा इतना कोई बट फिर इंटरेक्शन हम नहीं ये था. जानना चाहेंगे भूमिका को आपके बारे में इतना कुछ क्यों है बोलने के लिए, जब आपने बात ही नहीं करी, आपने भाव ही नहीं दिया, आपने फुटेज ही नहीं दी, तो अगली इतना बोल कैसे पा रही है? मैं ये जानना चाहती मतलब इस क्वेश्चन पे आप बोलो ये अगली यहाँ कितना बोल कैसे जा रही हूँ. है. दो लोग थे ना, जब एक आती थी तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लस वन आता था, तो ओके अगर मैं इससे बात कर रही हूँ तो वो है, अगर मैं इससे बात कर रही हूँ तो वो है, एक आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से वन ऑन वन बातें कर रहे हैं, और मैं यही प्रेफर करूंगी दिस इज द रिस्पेक्टफुल वे, ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो आपके पीछे से कोई दूसरा बोल रहा हो, दैट इज कंफ्यूजिंग फॉर द अदर पर्सन यू नो, एंड अदरवाइज आप मुझे नीचे ही दिखाना चाह रहे हो, अगर आप एक और इंसान लेके बैठे हो साइड में और मैं कुछ भी बोलना चाह रही हूँ वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, तो जब भी मैंने भूमिका से बात करी है या फिर प्रियंका से तो कभी बात करना चाहा ही नहीं, वो खुद ही पॉपअप हो जाती थी हर अच्छा अच्छा फाइट के अच्छा बीच अच्छा में, अच्छा सो जब भी बात हुई है अपनी तो सखी का साथ दे रही सो कॉल्ड सखी. थी. बट इन्होंने शो के अंदर जो रायता पिलाया है अभी बाहर आके समेट भी तो रही है, देखा आपने? समेट पा नहीं पाया हाँ, हूँ, क्योंकि किसी ने बोला था शो के अंदर कि ये लोग प्लानिंग कर कर आए थे कि काफी रिलेशनशिप, लोगों ने बोला हाँ था कि रिलेशनशिप एंगल चलाएंगे, रिलेशनशिप एंगल चलाएंगे. अच्छा वो रायता फैल गया शो के अंदर. अब इन दोनों को अपनी अपनी हेट मिली बराबर की, ठीक है. अब बाहर आके दे आर लाइक नो गाइस जस्ट फ्रेंड्स, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इन्होंने किया जो इनको सही लगता था, बट इनको एक चीज़ नहीं करनी चाहिए थी अपने गेम के चक्कर में, उनको मेरा करेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने कोई क्या कसर कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ आपका?
जहाँ पे वो भूमिका एलिगेशंस लगा रही है, एक शयान वाला मैटर हुआ था जहाँ पे हाँ बोल रही थी देखा आ गई, उससे पहले गाली भी देती है वो, आ गई देखा इसने शयान को वोट डलाया, इसको शयान को वोट डलाया, एंड दैट्स हाउ, और 10 लोग और खड़े हैं, देयर लाइक हाँ, भूमिका भी आ रही है, सही कह रही होगी, सही बोल रही है, एंड आई कम एंड आई एम लाइक कि तू ना बाहर टीवी पे जाके देख लियो, मैंने शयान को वोट नहीं दिया, एंड दैट इज फॉर अ फैक्ट, एंड पूरी ऑडियंस पूरी जनता ने देखा है वो एपिसोड, और मैंने शयान को वोट नहीं दिया था, सो उसने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, शी जस्ट वॉन्टेड टू टारगेट मी फॉर नो रीजन। अगर तुम किसी और बात को सुन रहे हो और उस इंसान की बात का विश्वास कर रहे हो, तो मैं भी तो बोल रही हूँ तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा मैंने क्या किया है, दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम भूमिका, कि यार लोग भी बोल रहे हैं वहां पे, वो कोई फैक्ट्स या फिर इन्फॉर्मेशन और डेटा लेके नहीं आएंगे ये लोग वगैरह, वो बोल रहे हैं तुम मान रही हो, मैं कुछ बोल रही हूँ तुम नहीं मान रहे हो, मैं कुछ कर रही हूँ तुम उसको सेल्फ डाउट पे डाल दे रहे हो, मतलब कि क्रॉस क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे, क्रॉस क्वेश्चन भी करे ना मेरे को अच्छा लगे, अच्छी बात है, सामने वाला समझने की कोशिश कर रहा है, बट वो समझना ही नहीं चाहती थी ना, तो वो क्रॉस क्वेश्चन कैसे तो वो करेगी। सीधे एलिगेशंस लगा रही है इसने शान को, मैं बोल रही हूँ नहीं डाले बाबे, नहीं डाले ऑनेस्टली बोल, और उससे पहले भी बहुत बारी चीजें हुई है जहां पे मैंने चीजें बोली हैं कि ऐसे नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं उसने अपना एक परसेप्शन बना लिया था, आपको लेके आपको हाँ बना लिया क्या लगता था, है, जो आपकी थी एक्स थी उन्होंने बनवाया ये परसेप्शन उनको, क्योंकि इतना दिमाग नहीं है भूमिका में, आई नो भूमिका नहीं है उनमें, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको उनके दिमाग में ऐसा आपके बारे में एक इमेज बनाई गई ताकि वो आपसे दूर रहे। मुझे लगता है दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, यू नो अगर अगर भूमिका ने उसको गेम खेलना सिखाने वाली इन्फॉर्मेशन दी, तो प्रियंका ने उसको मेरी प्राइवेट वल्नरेबल इन्फॉर्मेशन दी, सो ओके okay. इट वॉज एन एक्सचेंज मैटर, क्योंकि इट्स नॉट अ डाउट दैट ऑब्वियसली भूमिका, आप रिग्रेट करते हो कि जब आप पीआई पे गए थे, कि बहुत लोगों के क्वेश्चन मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, यू वुड हैव शाइंड मोर इफ प्रियंका को पीआई के इंटरव्यू में नहीं लेकर आते, तो आपके फैंस स्पेशली उन्होंने ये बोला कि इस लड़की का टैलेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स आ गई वहां पे तो वो आउटशाइन हो गया, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आपको लगता है अगर प्रियंका नहीं आती पीआई के अंदर इंटरव्यू के अंदर, आप बहुत अच्छा करते इंटरव्यू अपना? 200%, क्योंकि मैं अगर वहाँ पे सेलेक्ट भी हूँ तो अपनी काबिलियत की वजह से ही हूँ, अपने टैलेंट की वजह से ही हूँ, एंड जजेस मुझसे ऑलरेडी इम्प्रेस थे जब मैं वहाँ पे आई हूँ, सारे के सारे गैंग लीडर्स वर लुकिंग एट मी एंड दे वर लाइक बूम है गर्ल, शी विल डू समथिंग, यू नो दैट शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड ऑरा, एंड शी इज़ समवन हु यू वुड लाइक टू हैव इन आर टीम, एंड एवरीबडी वॉन्टेड टू हैव मी इन देयर टीम्स, यू नो अभी जब स्वॉप वाला भी हुआ था वहाँ पे भी एवरीबडी वॉन्टेड टू हैव मी, पराक्रम चलो वो तो मेरी गैंग का ही है, ऋषभ वॉन्टेड टू हैव मी, प्रिंस भाई तो जस्ट पिक्ड मी अप, सो ऑफ कोर्स आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एंड अगर प्रियंका नहीं आती तो वहाँ पे जो रोना देखा है आप लोगों ने, मेरी वल्नरेबिलिटी साइड देखी है वो नहीं जिससे मैं होती। बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए, बट अब हो गया, सो वो चीज़ हो गई, बट चलो ठीक है जो होता है मेरे ख्याल से अच्छे के लिए ही होता है, बट क्या वो अच्छा मेरे को अच्छा लगा, नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को पता मजा चल आया, गया, आप लोगों को मजा आया, आप लोगों को आया आया होगा, आया बहुत आया। तो ठीक है मजे के नाम पे कर दिया ओके ये आप बता ही चुके हो, आपने ऋषभ चावला को क्राई बेबी बोला है शो के अंदर, ठीक हाँ, है। मैंने नहीं, और भी बहुत बहुत लोगों लोगों ने ने ये बोला है, बोला, बहुत लोगों ने ये बोला है कि बेसिकली दिस इज एलिगेशन ऑन यू, लड़के भी रो सकते हैं। तो हाँ तो आप उसको जब क्राई बेबी बोल रहे थे तो आपने मतलब व्हाट वाज द इंटेंट बिहाइंड इट, मोटिव क्या था? तो ये दो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, कि लड़के भी रो सकते हैं और आपने बोला टास्क भी चल रहा है, ठीक है, तो टास्क में लड़के हो या लड़की, आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो और आप रोडीज के ऊपर आए हो, राइट, एंड रोना बुरी बात नहीं है, लड़का हो या लड़की रोना चाहिए, अच्छी बात है, दिल हल्का होता है, रोना इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, स्पेशली फॉर मेन, आई एम टेलिंग यू, जितनी भी मेरी मेल ऑडियंस है, रोना बुरी बात नहीं है, और तुम्हारे साथ के अगर दोस्त तुम्हें बोल रहे हैं कि तू रो रहा है तो स्ट्रांग नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो आपके सही फ्रेंड्स नहीं है, बिकॉज रोना बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का, जब भी आपका दिल भारी होता है रोने से दिल हल्का होता है, दिमाग साफ होता है, सो अगर आपको कोई रोने पे क्लेम कर रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप रो सकते हैं, पर अगर आप रोडीज में आए हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए और आप शो का कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं, और फिर टास्क के बीच में अगर यहाँ पे झीनम छप्पी चल रही है और उसके बीच में आप रो रहे हैं कि हाँ मेरे को लग गया, तो आप फॉर्मेट को इंसल्ट कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है किस शो पे आए हैं, एंड जहाँ पे लाइक उसके लगने की बात, उससे पहले उसने मेरे मारा था, मेरी जॉ लाइन पे मारा था, मैंने ये चीज़ ना हाईलाइट नहीं यहाँ पे करी, लोग बोलने वाले हैं कि कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे पता है कि आप बोल रहे हो शो का फॉर्मेट बोला आपने, कि अगर आप रो रहे हो तो शो का फॉर्मेट आप, अच्छा फॉर्मेट नहीं बोलूंगी उसको, मैं क्लेरिफाई करूंगी कि टास्क में लग जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंटेंशनली मार रही हूँ वगैरह करके, लग जाती है, एंड उसके बोलने से पहले ना
भव्या, हमारा कोलिजन हुआ था जिसपे वो 6 फुट का बंदा है एंड ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, ही इज अ स्ट्रॉन्ग गाय ऑफ कोर्स. सो उसका जो सर था ना या कुछ था, मेरे यहाँ जॉ लाइन पे बजा यहाँ पे, जो कि आया भी एपिसोड में, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं. मैंने उस चीज पे नहीं बोला कुछ क्योंकि मुझे पता है कि वो ब्लाइंड फोल्डेड भी है एंड टास्क भी चल रहा है साइमल्टेनियसली, सो ये चीजें तो होंगी, इतना तो मैंने देखा ही है यार सारे क्लास में होते हुए. तो उस चीज को मैंने अराइज नहीं किया, ना ही मैंने गेम रोकी, ना मैंने बोला डॉक्टर लेके आओ मेरा जॉ तो नहीं टूट गया वगैरह, मैंने ये सारी चीजें नहीं करी वहां पे. आई जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग द गेम बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट द टाइम. वहां पे जो कैबिन थे वहां पे लोग लेटे हुए हैं ठंडे पानी में, प्रैक्टिकली एवरी टाइम यू स्टॉप अ गेम वहां पे लोग ठंडे पानी में सिकुड़ रहे हैं, लोगों के टेम्परेचर नीचे जा रहे हैं, और तुम अपने कम्फर्ट में 2 बारी रुकवाया उसने गेम वहां पे. ओके ना वगैरह मैंने वो सारी चीजें नहीं करी क्योंकि मेरे को वो भी मद्देनजर में था कि वहां पे लोग भी ठंडे पानी के अंदर लेटे हुए हैं, एंड जस्ट बिकॉज तुम्हें लग गई है और वहां पे यस गेम में लग जाती है, तुम एक बारी टास्क खत्म होता है उसके आके बोल, बाद में आके बोल ले कि देखो तुमने हमको ये मारा, ये चीज सही नहीं लगी, नेक्स्ट टाइम से आप इतना मत करिएगा वगैरह. वहीं पे मैं भी अपने पॉइंट्स रखती कि देख मेरे को पता नहीं था ये सारी चीजें हुई, अगर मुझे लगता है मेरी गलती है तो मैं सॉरी बोलती, अगर उसकी गलती होती तो मैं उससे सॉरी बुलवाती. अब उसे बोलना है नहीं बोलना है दैट्स हिज दैट पॉइंट ऑफ इज व्यू, हिज पॉइंट ऑफ राइट. बट शो के बीच में ही, मतलब गेम के बीच में ही टास्क चल रहा है, 2 बारी टास्क रुकवाना और बोलना देखिए हमारे नाक से खून तो नहीं निकल रहा, जस्ट फॉर जबकि योर ऐसा कंफर्ट एंड समबडी सफरिंग देयर जस्ट टू पिन पॉइंट द पॉइंट कि मेरे को लगा है, और अगर अटेंशन नहीं लगा है तो हम गेम छोड़ के चले जाएंगे. ये भी आंसर स्टेटमेंट पास करी थी उन्होंने उस गेम के अंदर, ओके अगर नहीं लगा है कैमरे में नहीं दिखाया तो तो हम मैं गेम गेम छोड़ के चले चले जाऊंगी जाएंगे, रोडीज छोड़ के चले जाएंगे. ये था उसका स्टेटमेंट एंड मुझे बहुत ही चाइल्डिश लगा पर्सनली, एंड रिगार्डलेस ऑफ हिज जेंडर ओवरऑल सिचुएशन बहुत चाइल्डिश है. गॉट इट। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, व्हेन शी मेंट, व्हेन शी सेड दैट कि शो का फॉर्मेट है, इट्स शी वांटेड टू से दैट कि हाँ शो है हार जीत और हाँ लगना और ना लगना, लाइक समबडी इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट हर्ट बिकॉज कोई दो बंदे अगर फिजिकल हो रहे हैं टास्क के अंदर तो छोट मोट छोट थोड़ी बहुत चोट लगती बहुत है। जायज है, वो लगती हाँ रहती थी हाँ हमें और भी सो टास्क में. दैट्स व्हाट शी मेंट। ओके नाउ पीयू, इस सीजन में हमने पहली बार देखा है कि गौतम एंड प्रिंस नरुला हैव फॉट अ लॉट इन दिस शो। आपने पहले के शोज भी फॉलो किए, उसमें भी लड़ाइयाँ होती थी बट इस शो के अंदर काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। ठीक है, आप ऑब्वियसली थे, यू आर द विटनेस। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस फाइट, लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक कि मतलब मैं ये नहीं पूछ रही कौन गलत है कौन से, ऑब्वियसली दे वर फाइटिंग एज गैंग लीडर, बट डू यू थिंक दैट आप कभी कभी बोलते थे कि क्यों लड़ रहे हैं यार, मत लड़ो ये तो हमारा काम है, आप क्यों लड़ रहे हो ना? मतलब एज अ कंटेस्टेंट हमेशा ऐसा रहता था कि यार मत लड़ो ना प्लीज, ऐसे मत लड़ो क्यों एक दूसरे में, बिकॉज जब वो रियल दो, फाइट्स थी, हाँ, क्या काफी बात रियल कर थी, रहे हो। हाँ, काफी रियल थी. एंड जब दो इतनी बड़ी बड़ी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूंगी, मुझे औरों का नहीं पता क्योंकि और काफी लोग इंडस्ट्री से आ रखे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने देखा हो तो पता नहीं, बट जब मैं एज अ यू नो आप लोगों के बीच में से जनता में से ही आई हूँ मैं उठ के, और मैं इतने दो दो बड़े बड़े लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख रही हूँ, तो समवेयर डाउन द लाइन सबसे पहले तो बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है वो, कि दो इतने बड़े लोग, एक इंसान है जो इतने टाइम से इंडस्ट्री में है यू नो प्रिंस नरूला, एक है जीजी सर जो भी अपने में बहुत ही बड़ा मुकाम है उनका, और इतनी दो स्ट्रांग और दोनों के बहुत ही स्ट्रांग ऑरा और पर्सनैलिटीज है, एंड व्हेन दे कम टुगेदर एंड देन दे इट्स क्लैशिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज स्पीचलेस, मैं हो क्या रहा है ये क्या हो रहा है सीजन चल गया जल्दी करो गाइस, वी आर फेमस ऑलरेडी ऑब्वियसली। तो फिर उसके बाद जब ये चलता रहा तो एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया था कि यार इतना नहीं लड़ना चाहिए यू नो, क्योंकि हम भी वेट कर रहे हैं कि सब एमिकेबल हो जाए, बट एट द सेम टाइम मैं इतना ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहती क्योंकि वो लोग बहुत सीनियर्स हैं, वो बहुत महारती हैं अपने काम में, और हम सारे के सारे बच्चे हैं उन लोगों के बट वो सामने. फाइट्स रियल थी, या लेजिट 100% रियल थी वो सारी फाइट्स. पीयू आपको वॉरियर बोलते हैं रोडीज के अंदर, यस पहली बार किसी को टैग मिला आई थिंक जहां तक मेरे को याद है, तो आपको कब मिला ये टैग, व्हाट व्हाट टास्क वाज इट, कब मिला आपको वैलिडेशन रोडीज पे, और क्या आपको लगता यार है कि आप सफल हुए अगर आपको एक टैग मिल गया, बेसिकली यू वेंट फॉर द टैग, जैसे आपने हमें शुरुआत में बताया कि आप रोडीज करने गए थे क्योंकि आपको रोडी का टैग चाहिए था। सो ये वॉरियर वर्ड मुझे एक्चुअली जब मैं शूट चल रहा था उस वक्त उसके दौरान ही मिला है, ये जब मैं बाहर आ गई हूँ, सीजन आगे बढ़े हैं, एपिसोड्स हुए हैं, जनता ने देखा है, एंड देन दे गेव मी दिस टाइटल दैट बंदी वॉरियर है यू नो, क्योंकि यू डोंट एंड गिव अप, नो आई डोंट गिव अप, एंड साइकोलॉजिकली बहुत बारी मैं वहाँ पे टूटी हूँ, बहुत बारी मैंने अकेले बैठ के रोया है, सारी चीजें किया है. एक आदत बुरी है मेरी जहाँ पे मुझे लोगों से हेल्प मांगनी नहीं आती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशनल मैटर्स, तो वहीं पे मैंने अकेले रोया है, सारी चीजें किया है, एंड कहीं ना कहीं यू नो
मैं किसी को बोलने से पहले ना बहुत सारे चांसेस देती हूँ, और मुझे लगता है इस चीज़ पे मेरे को वर्क अपॉन करना चाहिए, क्योंकि मैंने ना घड़ा पड़ने का वेट किया, यू नो आई वॉज अप टू द ब्रिम देन आई स्टार्टेड टॉकिंग. मुझे लगता है कि मुझे ब्रिम तक आने का वेट नहीं करना चाहिए था. कहीं ना कहीं सिंस इतना पाइल्ड अप हो चुका था तो मेरी आवाज़ तेज हो गई, या फिर वो चीज़ ज़्यादा ओवर द टॉप आ गई. एंड पर्सनली मैं वैसे नहीं कर सकती, बट शो में आप समझ रहे हो इतने सारे दिनों से हम चले हुए हैं, रोज टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक के बाद एक टास्क चला जा रहा है, एंड उसमें आप खाना भी सही से नहीं खा रहे हो, आपको सोने के लिए भी ढंग से नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह. तो एक चिड़चिड़ापन होता है जो कि फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अपने आप ही आ आप अपनी जाती है. लाइफस्टाइल नहीं मिल पा रही ना, जो हमें जिसकी एग्जैक्टली. आदत है, कंफर्ट लेवल. हाँ मतलब यार कंफर्ट लेवल तो ज्यादा नहीं चाहिए रहता है वैसे मेरे को, बट वो चीज एक्यूमुलेट हो रही थी. मैं रोज टास्क परफॉर्म करने चाहती हूँ भर वहां रहे पे. थे आप धीरे धीरे धीरे, हाँ जब जी. ज्यादा रिएक्ट नहीं करते थे. जैसे आपसे बहुत लोग लड़े इस सीजन के अंदर, पीपल हैव फॉट हाँ विद यू अ लॉट अच्छा, ऑब्वियसली. आप क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग से लड़ने में ही आप दिखोगे. एक छोटा क्योंकि मैं सा रूल है परफॉर्म लाइफ कर रही का थी, मैं कि लड़ाई इमोशनली हमेशा ओके उनसे की जाती है जो आपसे ऊपर होते हैं, और जो आपसे नीचे हैं आप उनसे खुद नहीं लड़ोगे. ये फैक्ट है. कोई भी लाइफ के अंदर अगर आपसे कोई लड़ रहा होगा, सपोज अगर भूमिका आपसे लड़ाई करती है, मैं आप खुद मेरे को आपकी आंखों में दिखता है, आई डोंट वांट टू टॉक यार, छोड़ना. ठीक है, लाइक बट व्हेन यू नो व्हेन देयर आर पीपल, लाइक सपोज मैं आपके लिए बोल रही हूँ, लोग आपसे इसलिए लड़े क्योंकि उनको लगा आप स्ट्रांग हो. देखो दुनिया देखेगी कि ये इससे लड़ी मैं, या मैं इससे लड़ा, समझ रहे हो आप मेरा क्या गॉट कहना इट. है ना. तो आप जानबूझ के लड़े फिरते हैं. हाँ, तो ये तो जानबूझ के ही होता है सब कुछ यार. शो पे गए हैं, मसाला तो देना ही है भाई, ऑडियंस कैसे पसंद और करेगी. इन्हीं के मुंह के सारे ये बयां है कि मैं जानबूझ के लड़ रही हूँ उनसे जाके, जबकि नहीं भूमिका अभी अपने गैंग में, वन ऑफ द इंस्टेंस बताती हूँ, भूमिका अपने गैंग में, और वहां पे शी इज बिचिंग अबाउट मी कि पीयू ऐसी है, पीयू ऐसी है. मेरे को तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, मैं तो एक भी बार ऐसा फिर से हो गया बिल्कुल भी नहीं झेलूंगी. एंड जस्ट उसके नेक्स्ट मोमेंट शी कम्स टू माई टेंट. आपने वो कहावत सुनी, एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, वो मैडम बहुत अच्छे से फॉलो करती है. एनीवेज उसको छोड़ो, भूमिका को छोड़ो. अगर आप किसी लड़की को ये टाइटल देना चाहते हैं वॉरियर का अपना, ऑब्वियसली यू आर द ओजी, बट अगर आप अपना टाइटल किसी और को देना चाहते हैं तो आप किसको देते हो वॉरियर टाइटल इस सीजन में? बट मैं अपना टाइटल अपने पास ही रखती हूँ, फिर भी कोई क्योंकि तो होगा जिसको आप दे दोगे लड़कियों में, लाइक ठीक है, लाइक शी कैन बी मिनी मी टाइप, ऐसा कुछ. या मिनी मी मेरे को नहीं लगता कि आप खुद ही रखोगे आई ना विल कीप इट फॉर अ वाइल. अभी पता लोग क्या करके वीडियो बना लेंगे कि प्रो पीयू ने मुझे इस वीडियो में वॉरियर बोल दिया ना, आई एम द न्यू वॉरियर गाइस. ओके, हाउ डिड यू बिकम अ रोडी? आपकी इंस्पिरेशन क्या है रोडी बनाने के लिए? कोई तो इंस्पिरेशन है कि मदर, लाइक व्हाट योर स्ट्रगल? जो मैं बॉक्सिंग करती हूँ वहाँ से आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, सो मेरा सिर्फ बॉक्सिंग पे लाइफस्टाइल को ही मेंटेन करने के लिए अच्छा लग जाता है, जिसमें मेरा प्रोटीन है वगैरह. आई ऑल्सो लिव अलोन, तो मेरे रेंट्स वगैरह सारे सारी चीज़ें हैं. मेरे को ये था कि अगर मैं रोडीज के प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँगी, सबसे पहले तो मुझे प्रोटीन स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी. रियली हाँ एक बार. तो मेरा प्रोटीन शॉर्ट हो गया, और प्रोटीन बाबे एज अ बॉक्सर प्रोटीन बहुत मैटर करता है, यू नो. हाँ प्रोटीन खरीदने में भी बहुत महंगा होता था, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट सॉर्टेड विद दैट स्टफ. तो मैं वाओ, दैट इज सो क्यूट. शी इज लाइक मुझे प्रोटीन स्पॉन्सर हो गया, दैट इज सो हाँ जी. यहां पे सो वो चीज़ था कि मेरे को प्रोटीन मिलेगा एंड सब चीज़ें अच्छी चलेंगी, यू नो. मसल स्ट्रक्चर अच्छा, आप देख ही रहे होंगे, बहुत बढ़िया चला हुआ इस बेसिकली बार रोटी भी आपने अपने लिए कर यार, क्योंकि सपोर्ट करना था ना बाबे, लिया. क्योंकि पैसे नहीं थे जेनुअनली, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म था मैं जो भी इस वक्त कर रही हूँ मैं उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा सकती हूँ. सो अब मैं अगर किसी को ट्रेन भी कर रही हूँ तो आई कैन चार्ज अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा मनी विच विल बी गोइंग टू माई गेयर्स, यू नो, मेरे प्रोटीन पे जाएगा, या फिर एली के साथ मैं घूमती हूँ तो उस पे लग सकता है. आई कैन हैव अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड. इंस्पायर किसने किया आपको? लाइक कोई आपकी लाइफ में ऐसी इंस्पिरेशन, लाइक योर मम, योर फैमिली, समथिंग लाइक दैट. जैसे आप रोडीज के इंटरव्यू में जा रहे थे, ठीक है, आपने पहला कभी रोडी देखा होगा, कोई ऐसी बंदी जो आपको इंस्पायर करी हो, ऐसा कुछ? लाइक आई गेट इट, आपको प्रोटीन शेक्स मिल गया, और प्लीज गाइस आई वाज टेकिंग प्रोटीन, हियर मी आउट. यार मेरे को ना बानी जी का जो वाह, यस आई लव हर. पी आई था ना, व्हेन शी वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड शी वाज वेरी कैजुअल पीआई अबाउट इट. देखा है अपने वाणी जगह? हाँ, वो तो बहुत पुराना नहीं हो गया पर शायद? मेरे दिमाग में फ्रेश है. अच्छा, ओके. सो शी वाज सिटिंग देयर एंड शी वाज वेरी, यू नो, वो बैठी थी, बात कर रही थी, रघु सर उससे बात करे जा रहे थे, रघु या राघव में से एक थे, प्लीज डोंट माइंड. सो वो बोल रही थी, उन्होंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी किया बहुत बारी कि तेरे को ये नहीं लगता है कि तेरे को ज्यादा ही फितूर चल रहा है, तू उड़ ही रही वगैरह. एंड शी सेड कि मे बी यू आर राइट, बट जिस पॉइंट पे मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ मुझे ये चीज़ सही लगती है और ये मेरा परसेप्शन है. सो दिस इज हु आई एम एंड दिस इज व्हाट इट इज एंड व्हिच इज सो ट्रू एंड दिस इज सो लेजिट. मैं ये नहीं बोल रही कि आपका परसेप्शन गलत है, बट
मेरे परसेप्शन को गलत बोलने से पहले आप मेरा परसपेक्टिव समझिए। समझिए। तो वो चीज़ थी जो मेरे को पीआई से काफ़ी स्ट्राइक करी बानी के, एंड यू फ्रॉम देयर फॉलो ऑन हर यस यस ऑफ नाउ कोर्स ऑल्सो। यस यस या बहुत सही आंसर दे गई हैं आप तो। या आप बता ही चुके हो कि योर इंटरप्शन जो आपके इंटरव्यू में आपके में हुआ था आपके एक्स का, उसके ना होने से यू वुड हैव डन बेटर। तो मेरे को इमोशनल ट्रॉमा कम होता, दैट्स इट। आप इमोशनली वीक हो। हाँ आई मतलब आप पूरा सॉलिड हो, है एम मजा दोगे, ओनली बट इमोशन दिल दिल कमजोर है, इसलिए ज्यादा लोगों को आसपास नहीं आने देते। अभी किसी को डेट कर रहे हो आप? नो नॉट करेंटली। अभी तो इतना क्या कहते हैं अब उसको, मेरी फटती है डेट करने इतने बड़े एपिसोड के बाद तो भाई अगली 4 बार सोचेगी भाई क्या ही इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके नाउ आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। यू हैव टू जस्ट नेम वन पर्सन अप फ्रॉम दिस सीजन, गॉट हिम आउट ऑफ द शो, गॉट मार्क्स। प्रियंका मास्टरमाइंड ऑफ द सीजन। मास्टरमाइंड आई विल गिव इट टू ऋषभ। चावला फ्लिपर या फ्लिपर वुड गो टू पल्लवी। विनिंग मटेरियल। पीयूष शर्मा ओ लाला फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मेल फीमेल? पीयूष एनीबॉडी शो पे, सभी सेम साइड। शर्मा, पीयूष शर्मा अपने को छोड़ के एक मेल फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट। राकिन डरोना। ओके बिट्रेयल ऑफ द सीजन। मेरे लिए किसके लिए? नो मैं जेन्युइनली, आपको क्या लगा कि सबसे बड़ा बिट्रेयल क्या था? सबसे बड़ा बिट्रेयल था जब मैंने शो में किसी एक फ्रेंड को बहुत जेन्युइनली फ्रेंड माना। कमिंग टू दैट शी गॉट, आप बहुत समझदार हो। वैसे आप पीआर ट्रेंड हो क्या? है पता, लिटरली आई एम नॉट लाइंग गाइस, आई लिटरली बिट्रेयल ऑफ द सीजन के नीचे मैंने अपना आंसर लिखा हुआ था। शायद एन ऑडियंस फिर आप पकड़ रहे हो अरे सही मेरी दोस्त चीज। पकड़ती हैं, हम कहाँ ही पकड़ रहे हैं ये सब। तो पल्लवी के ऊपर एक योर फ्रेंडशिप विद पल्लवी, जिनको आपने आपके हिसाब से आपने उनको बहुत करीब रखा ये रखा, बट शी फ्लिप्ड। मतलब मैंने अकेले ने करीब नहीं रखा, कोई भी एक रिलेशनशिप वन हाँ हैंडेड दोनों में साइड से चलता है। होता सो है इट वाज अ वेरी म्यूचुअल म्यूचुअल, रिलेशनशिप दैट वी ठीक शेयर्ड है। वहां पे एज हाँ अ फ्रेंड। लोग कहते हैं कि यू हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पल्लवी, दैट्स व्हाई, क्योंकि आपसे हमने कभी इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देखा। आप इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं होती हैं, आप बोलने देती हैं हमें, हाँ बोल बोल बोल। बट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड वी सॉ अ लॉट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम योर साइड, तो लोग सोच रहे थे कि यार मुझे ऐसा लगता है कि पीयू को ना सॉफ्ट कॉर्नर है पल्लवी के लिए। सो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ओके सो जो वो रिएक्शन था जो काफ़ी ज़्यादा आउट लाउड था, वो जो लड़ाई है आप लोगों ने देखी है, वो तकरीबन आप लोगों ने एक्सपीरियंस करी होगी 2 मिनट 3 मिनट। ओके तो वो लड़ाई चली है अच्छा खासा गुड 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स, 10 मिनट्स ले लो, जहाँ पे जो चीज़ें मेरे मुँह से बोलती हुई दिखी जा रही है आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, वो चीज़ पहले पल्लवी ने बोली थी। तू बोलना क्या चाह रही है, तू ये बोलना चाह रही है, ढिमका फलाना। तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ नोटिस करिएगा, जब तू यही सुनना चाहती है ना, तू यही सुनना चाहती है ना, मैं ये चीज़ बोलती हूँ, तो यही चाहती है ना कि मैं ये चीजें बोलूं। बोलती हाँ मैं चाहती हूँ, तू बोल तू बोल। बस एक बच्चे की तरह जैसे किसी ने लॉलीपॉप दे दिया और मैंने वो चीजें वही बोल दी। बट वो चीजें जो मेरे मुंह से निकली, जो मैंने बयां करी, वो पहले उसने बोली थी। बट रिगार्डलेस मैं आई एम नॉट टेकिंग इट एज एन एक्सक्यूज। अगर मेरे को मैंने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं, सबसे पहले तो मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला जो कि मुझे नहीं लगता कि नहीं ठीक था। बट अगर किसी को बुरा लग गया है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी। मुझे कोई हक नहीं है किसी की भी पर्सनल लाइफ में जाने का, कुछ भी बोलने का, एंड सेम गोज टू द अदर पर्सन एज वेल। बट वो कोई और इंसान नहीं था, वो पल्लवी थी और वो मेरी फ्रेंड फ्रेंड थी। थी, सो इसलिए वो चीज़ मैंने बोली थी, और वो चीज़ मैंने अपने फ्रेंड को बोली हक थी, से बोली थी। हक से बोली थी। यस ट्रू। एंड वो चीज़ वहाँ पे सारे पासे पलट गए, एंड वो सडनली मेरी फ्रेंड नहीं रही, एंड सडनली एक वो इंडिविजुअल हो गई। ये अभी रिसेंटली पता है व्हाई आई सेड हक से, बिकॉज अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था सेम। मतलब ऑब्वियसली योर्स वाज टेलीकास्टेड, मेरे को कोई पैसे भी नहीं मिले उस चीज के, इमेजिन पैसे दैट। मेरे को भी नहीं मिले यार मिलने चाहिए था मुझे, यार। आई तो कांट इमेजिन। कमिंग बैक टू द बिट्रेयल ऑफ द सीजन, तो हम ये पूछ रहे थे कि आपको आप रिटालिएट क्यों करें, लाइक व्हाट वेंट रॉन्ग, आप इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गए। व्हाट टू से अबाउट दैट? कि एक अपने इंसान से बात आ रही है और वो भी एक ऐसे बात कर रहा है कि जैसे वो मेरे को जानता ही नहीं है या फिर पहचानता ही नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर ऑल ऑफ अ सडन, जिसके साथ मैंने अपनी चीजें डिस्कस करी हैं, बताई हैं, यू नो। एंड जहाँ तक रही रिटेलिएशन की बात, वो चीज़ें भर चुकी थी, हमारी गैंग स्वाइप हो चुकी थी, एंड वो दूसरे गैंग में थे, मैं दूसरे गैंग में थी। कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि पल्लवी वाज फ्लर्टिंग विद सचिन पल्लवी वाज मे बी मे नॉट बी, एंड देन शी फ्लिप्ड बिकॉज यू फेल्ट बैड, दैट्स व्हाट पीपल से। हमको इस वाले सेगमेंट में नहीं जाने का है। हमको नहीं जा रहे हैं। ओके ओके सो आर यू गाइस फ्रेंड्स नाउ? पल्लवी से अगर आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है वापस की नहीं हो सकती?
नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नो। एक धोखे से सीख जाते हो आप। आपको हाँ लगता है कि कोई काफी किसी ने था। अगर एक बार धोखा दिया तो वो आपको दो बार धोखा दे सकता है? लगता है आपको इंसान का एक पैटर्न होता है? हाँ मतलब टेंडेंसीज होती हैं, सो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उस चीज के बीच में। बट हाँ अगर इंसान एक बार ही दे सकता है तो दूसरी तीसरी बारी भी दे ही सकता है। पर एट द सेम टाइम मैं ये चीज भी रखूंगी मद्देनजर में कि शो का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ही डायर और इंटेंस सिचुएशंस में होता है। तो वहां पे इंसान जैसे रिएक्ट कर रहा है ना, क्या पता वो अब नॉर्मल सिचुएशंस पे वैसा रिएक्ट ना करें, ना राइट? सो उस चीज का भी बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे सकती हूँ। तो बट अब किसी से नहीं बनी तो नहीं बनी, वो अब फीलिंग। आगे भी अगर शी कॉन्टेक्ट हो, चलो वो आपको बोल दे कि यार पीयू सॉरी ब्रो, यार शो पे जो हुआ हो गया, बट यू आर अ जेन्युइन पर्सन, अच्छे दोस्त हो आप, तो आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे? या श्योर, व्हाई नॉट। चलो नाउ आई विल से द नेम ऑफ द कंटेस्टेंट, यू हैव टू से वन वर्ड। जैसे मैं इस बंदे का नाम लूंगी आपको बोलना आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक ओके, है? फ्लर्टी, शिविर, वाशु, डम। एवरीबडी यार सब बोल रहे हो उसको, अब मुझे बुरा लगने लग गया उसके लिए, हर कोई आता है ना वही बोलता है, इसमें दिमाग नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं नहीं है, ऐसा परक्रम। नहीं है कि उसमें दिमाग नहीं है, उसको बस टाइम लगता है बफरिंग के लिए। स्ट्रॉन्ग, ओके, प्रियंका गुप्ता, डर्टी माउथ, बड़ी बात, भूमिका, समझ नहीं आई, समझ ही नहीं आई, सचिन, डांसर, क्यूट, आकृति, हिमांशु, लंबू। लंबू है वो, अच्छी खासी आइडिया थी अच्छा, आशिका। आंटी। ये आपको पता ना, आप ब्लूपर में डाल दोगे। ओके, तनु, प्रेम, क्यूट, स्वीट हार्ट। ओके हाँ आप भी वो दूसरे रियलिटी शो में जाओगे तो आप वो गलती क्या नहीं करोगे जो आपने इस शो में करी है? आसानी से ट्रस्ट करना, अपना ट्रस्ट देना। मतलब एक्चुअली मेरी चीज पता है क्या है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ और लोगों की तरह। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग ना ट्रस्ट देने में ना बिल्ड लगाते हैं, बिल्ड लगाते हैं। मैं आपको ट्रस्ट देती हूँ, फिर आप अपना ट्रस्ट मेरी नजरों से अपने आप खोते हो। कहीं ना कहीं ये एक चीज थी। तो नेक्स्ट रियलिटी शो में मैं ऐसी आपको ऐसे थाली में परोस के नहीं दूंगी। ले लो मेरी बारो। लो। ओके, पल्लवी जो थी, ठीक है, जब आपसे पल्लवी की लड़ाई हुई है, वो लड़ाई काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी इस सीजन के अंदर, डू यू थिंक वो रिएक्ट कर रही थी ज्यादा फॉर फुटेज? मुझे ये पर्सनली लगता है कि पल्लवी मुझसे आके बात कर सकती थी, यू अच्छा, नो, ऑफ जो भी करना कैमरा, था, ऑफ कैमरा हो ऑन कैमरा हो, बट हम एक सिक्लूडेड स्पेस ले सकते थे। मुझे नहीं लगता है कि पीछे जो 10 लोग खड़े थे उनका होना कोई लाजमी यही ये था। पॉइंट बहुत अच्छा है आपका कि अगर कोई दोस्त है तो मुझे किनारे लेके जाके बोल सकता है कि बात ये थी, बात वो थी, बट एंड अगर उसका मुद्दा बनाना है तो आप 100 लोगों में आराम से बना सकते और वही हुआ उस फाइट में, शी इज लाइक, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, और मैं हो। उसको देख रही हूँ कि हाँ सब तो देखते ही रह रहे हैं, जिसकी तरफ देखना है वहां तो देख। गॉड, गुड वन यार, ये बहुत सही था। यू हैव बीन वोटेड आउट फ्रॉम रोडीज, एलिमिनेटेड। हाँ, एलिमिनेटेड फ्रॉम रोडीज, बट देर आर पीपल हु हैव मेड इट टू द फिनाले, राइट? या आपको ऐसा लगता है कि आपको किसकी जगह होना चाहिए था वहां पे, और कोई ऐसा बंदा जो कि वहां पे डिजर्विंग नहीं है बट आप उनसे ज्यादा डिजर्विंग? आई विल नॉट टेक द नेम्स येट सिंस इट्स येट टू बी टेलीकास्ट। बट हाँ मुझे लगता है दैट आई कुड बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट, जो कि बहुत ही टक्कर का कॉम्पिटिशन दे आपकी सकती जगह थी। उस दिन किसको एलिमिनेट होना चाहिए था? लेट्स कट इट लाइक दैट। आशिका को, प्रिंस भाई को, इफ दे ही वॉन्टेड अ विनर आउट ऑफ हिस टीम एंड हिज गैंग, आई कुड हैव डेफिनेटली बिन दैट पर्सन, यू नो, रिगार्डलेस मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। फिनाले के टास्क में ना बल, अकल, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, एंड मैं काफी बेहतरीन परफॉर्म करती हूँ, दैट्स फॉर अ फैक्ट। तो आपको लगता है कि आशिका निकलनी चाहिए थी उस दिन? यस, मतलब मैं सेव होनी चाहिए थी और मैं आगे फिनाले में जानी चाहिए थी। अब मेरे साइड में XYZ पर्सन कोई भी होता, दैट्स नन ऑफ माय ओके, मैटर। सिंस सर इस सीजन के अंदर लाइक बायस है लोगों के खिलाफ, आपको क्या लगता है? मतलब फेवरेटिज्म तो कहीं ना कहीं हुआ है, एंड मैं लिटरली, मैं जिस भी गैंग में रही हूँ उस गैंग के जो लीडर हैं उसको, उनको मैंने गुरु माना है। सो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। सो मैं अपने गैंग लीडर के खिलाफ कभी भी कुछ चीज़ नहीं बोलूंगी, बिकॉज जितने टाइम भी रखा है, जो भी रखा, यू आर वो ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव। यस। आपको लगता है शो स्क्रिप्टेड है? बाकी मेरे को बोलना था, बाकी लाइफ बहुत लंबी बाकी लाइफ बहुत है। लंबी है। नहीं, शो स्क्रिप्टेड नहीं है। सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, जहाँ पे जो भी आप हमारे आउटरेजियस रिएक्शंस देखते हैं कहीं के किसी किसी मुकाम मॉड्यूलेटेड पे, है।
हाँ मतलब कहीं आपको खाना भी ढंग का नहीं मिल रहा है, आप सो भी नहीं रहे हो तो नॉर्मली, सिचुएशन तो ये ऐसे आपके खुद के इमोशंस और टर्मोइल्स इतने क्रिएट हो जाते हैं कि अगर नॉर्मली मैंने ऐसे किया आपको एंड यू वो इन द इरिटेटेड फर्स्ट टाइम यू आर ओके विद इट, बट कहीं आज से लेट्स सपोज जर्नी में मेरी 3 हफ्तों चाय बाद क्यों पी गाइस, पी ली तो पी ली, मैं दूसरी बना देंगी, क्या हो गया गाइस। और यही चीज पर आपको अंदर कर दे तो वो हाँ लड़ाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत हो बड़ा जाता। मुद्दा कि इसमें चाय की भी भाई। नाउ द क्वेश्चन इज, पीपल से दैट यू वर इन गौतम्स गैंग, यू वर वेरी लॉयल टू गौतम, हाँ बट देन व्हेन यू केम टू प्रिंस की गैंग, यू वर वेरी लॉयल टू प्रिंस, बट देन यस यू डिड नॉट लुक बैक टू गौतम एट ऑल। एंड व्हाट इज लुकिंग बैक, लुकिंग बैक एज इन लाइक ऑब्वियसली लाइक एक बंदा एक बंदे से लॉयल होता है तो वो हमेशा होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, समझे आप। बट आप जब प्रिंस की गैंग में आए तो आपने गौतम सर से वो लॉयल्टी जो आपने उनको दी थी, गौतम को, फिर आपने वो प्रिंस को दे दी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू था या फिर क्या था आपका ऑब्जेक्टिव, लोग जानना चाहते हैं आपने लॉयल्टी इतनी जल्दी बदल ली, मतलब अगर आप गौतम के लिए लॉयल थे, फेवर करते थे, वो आपने बाद में नहीं करी जब आप प्रिंस की गैंग में आ गए, तो वो क्या है। तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ के। पहला, जब मैं जीजी सर की गैंग में थी, सो ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे सिलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि आई एम अ लॉयल पर्सन, राइट। एंड इस शो में कभी भी आप ये मत सोच के चलना कि आप अकेले गेम जीत जाओगे, यू कैन नेवर विन दिस शो अलोन। एक पॉइंट आता है उसके बाद अकेले खेलना होता है, बट स्टार्टिंग में इफ यू फील लाइक कि आप अकेले कहीं पे भी कुछ भी जीत जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू बी लॉयल टू योर गैंग लीडर एंड यू हैव टू बी लॉयल टू योर गैंग एज वेल, बिकॉज अदरवाइज आप शो में आगे नहीं बढ़ सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड जब मेरा स्वॉप हुआ, जब तक मैं जीजी गैंग में थी आई वॉज 100% लॉयल टू जी जी सर, और जब मैं ओके प्रिंस भाई की गैंग में आई आई वॉज 100% लॉयल टू प्रिंस प्रिंस सर, सर, बिकॉज यही, अगर मैं वहां पे लॉयल्टी नहीं दिखाऊंगी सो अगला एलिमिनेशन मेरा ही तो होगा और किसका होगा। अगर कोई भी कल को इंटरनल वोट आउट हो जाता है, सबसे पहली चीज मैं ही तो जाऊंगी, और अगर मैं ही उड़ जाऊंगी तो मेरे ख्याल से तो जीजी सर को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं वहां गई और उड़ गई, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट गया, तो उनको भी खुशी हुई है, उन्होंने खुद बोला इंटरव्यूज में कि वो वहां गए, वो वहां पे भी लॉयल रहे। सो दैट्स द लेगेसी वी बेसिकली कैरी फॉरवर्ड, हिमांशु और मैं वहां पे गए एंड वी वर लॉयल उस चीज को, एंड जीजी सर को उस चीज का प्राइड है। ओके आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी शो के अंदर? कमेंट ऐसे जो भी आ गया सही है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं कोई थी मेरी, स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो नहीं आप बेसिकली जैसे टास्क परफॉर्म करते हो तो आप बेसिकली ये सोच के गए थे कि मैं सिर्फ परफॉर्म करूंगी, मेरे को ये डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है। मेरे को पता नहीं था डर्टी भी होने वाला है, राइट। जब एक इंस्टेंस होता है जहाँ पे फर्स्ट वोट आउट होता है, सेकंड वोट आउट होता है, और वहाँ पे प्रियंका बोलती है कि ये ना टेंट में आके ना मुझसे बात करने की ट्राई कर रही है एंड ऑल दैट, एंड मैं एकदम आई वाज शॉक्ड, ये कब हुआ, मतलब मैंने किया और मुझे ही नहीं पता है। सो ये चीज़ सरप्राइजिंग थी, फिर मेरे को लगा मैंने ना उसको नज़रअंदाज कर दिया, पर मुझे लगता है वो चीज़ मेरे को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वहीं पे ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेना चाहिए था कि ये चीज़ हुआ ही नहीं है। आई शुड हैव बीन वेरी क्लियर एंड वेरी यू नो सप्रेसिव विद द पॉइंट कि ये चीज़ नहीं हुई है, तो फालतू की चीज़ें उड़ा मत, क्योंकि मेरी पूरी गैंग के साथ मैं 24/7 रहती थी, स्पेशली पराक्रम हो गए, हिमांशु हो गए, पल्लवी हो गए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एंड मैं नहीं गई कभी, एंड शी जस्ट उड़ते उड़ते आई कॉन्ट बिलीव लोग कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल सकते वो ही तो हैं। उनकी कला है, रियलिटी शो पे आए हैं वो। और उसने बोल दिया और मैंने ना हल्के में लिया, मैंने कहा छोड़ो यहाँ पे लव एंगल भी बने हुए हैं, ये भी फालतू के बने हुए हैं, ये बातें बोल रही है ये भी फालतू की, मैंने एनर्जी नहीं थी वहां पे ना। और वही चीज ना उसने कंसिस्टेंट रखी, उसने वो पिच ना कंसिस्टेंटली रखी, कोई भी गेम पे जा रही है रेली फाली फुली फालतू की वगैरह, तो वो सेम चीज बार बार बोल रही है, एंड ये चीज मेरे को नहीं पता थी, ये मैंने बाहर आके देखा है सारा का सारा कट्स एंड ऑल, तो वो एक ही चीज पे ना वापस वापस चीजें डाल रही है। अब व्हेन आई सी इट फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू ना, अब मेरे को कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि देन एंड देयर आई शुड हैव पुट एन अ स्टॉप, होता है ना एक फुल हाँ स्टॉप होता है ना, मुझे वहीं पे भी वहीं लगा पे डाला, मुझे लगता है आपकी बस यही गलती थी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ फुल पैकेज टू रोडीज, रोडीज वाज ग्रेटफुल टू हैव यू, आई आल्सो फील लाइक दैट। बहुत टैलेंटेड हो आप, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, पर मुझे लगता है आपकी जो गलती हुई है वो ये हुई है कि आपने इन लोगों को एक मौका दिया, आपने एक लेवरेज दिया। हाँ हाँ गुड वर्ड लेवरेज यस हाँ कि आपकी मुझ पे, मेरे कंधों पे पैर रख लो, ठीक है मैं खड़ी हूँ, मेरे कंधों में पैर रख लो, जबकि आई नो नाउ यू विल डू अनदर रियलिटी शो, तो यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। बहुत बड़ी मिस्टेक थी ये मेरे को लगता है आपकी, अगर आप इन लोगों को वहीं पे चुप कराते रखते ना, आप इनको मुंह बंद करते, जैसे आपके हाथ चलते हैं ना वैसे आपको मुंह चलाना चाहिए था इन अ गुड वे, समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आपको यू नो पैकेज, बट जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आई मैं तो पता है रोडी से बस ये देखना चाहती हूँ विनर कौन है,
टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे चाहिए लड़की जीते, क्योंकि कब से कोई लड़की नहीं जीती, हमेशा लड़का जीतता है, तो आई फील लाइक एक लड़की जीतनी चाहिए. मैं चाहती हूँ आप मेरे, आई वुड नॉट से मेरे को हिमांशु और आप दोनों इक्वली पसंद हो, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप एक लड़की हो एंड बीइंग अ वुमन आई वांटेड यू टू लिफ्ट द क्राउन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी रियलिटी शो में जाओगे, आप और मेरी ऑडियंस को ही प्रॉमिस करोगे कि आप लड़ोगे मुझसे, आप उनको चुप कराओगे कि आप तू मुंह बंद रखा, मैं बोलूंगी तू सुन. तो पहले मैं फिर मैं बैठूंगी किसी को लड़ना है, फिर मैं लिखूंगी अच्छा इसने अगर ये बोला तो मैं ये बोलूंगी, प्यू ऐसा नहीं बोलना है, रहने दे नहीं बोलना है. फिर मैं जाऊंगी और मुझे ज्यादा नहीं समझ आया फिर मैं भव्या कॉल करूंगी, भव्या मेरे को पॉइंट्स मिल रहे हैं. आपको कौन सा रियलिटी शो नेक्स्ट करना है? आई वुड लव टू डू खतरों का खिलाड़ी. खतरों का खिलाड़ी, यस, मुझे लगता है वहां पे कोई पॉलिटिक्स ड्रामा वाला शो नहीं करोगे आप? या नेवर से नेवर, सो यू नेवर नो, यू नेवर नो. ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे पता है आप लोग भी इमोशनली यू नो करेक्टर से और लोगों से अटैच हो जाते हैं जब भी आप कोई भी शो देख रहे हो, आप हो या मैं हूँ, बहुत ही जायज़ है, वी ऑल आर ह्यूमंस, हो जाते हैं. बट कभी भी किसी को, मैं हूँ या कोई और भी हो, मतलब इवन आई एम सेइंग इट ऑन बिहाफ कि जो भी शो में जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है ना, उसके रिगार्डलेस भी, कि इतना हेट हमें उनको नहीं देना है कि उनको ना जीने की इच्छा ना हो या फिर कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन हो जाए या डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो जाए. क्योंकि अभी अभी मैं भी इस इंडस्ट्री में नहीं हूँ, इस फेज में नहीं हूँ, एंड मेरे को भी हेट आई थी इस बीच में, प्यार भी बहुत सारा आया है थैंक्स टू यू गाइस, पर हेट भी बहुत आई थी, एंड मैंने प्रैक्टिकली 2 दिन अपने बेड से नहीं उठाया वो सारी चीज़ें यू नो सुन के जान के, एंड वो चीज अच्छी नहीं है. मेरे को टेक्स्ट करो यार, तुम्हें और क्या नेक्स्ट देखना है, मैं कंटेंट निकालती हूं. सो गाइस, देयर इज दिस फैन पेज ऑफ पीयू, शी इज रियली द स्वीटेस्ट, उसका आईडी है aphrodite.pu. ओके, aphrodite का मतलब मुझे नहीं पता. aphrodite इज अ ग्रीक गॉडेस. ग्रीक गॉडेस, पायल शर्मा FC. ओके, इनके एक दो सवाल है, प्लीज आप इनको आंसर दे दीजिए. ठीक है, डू यू एक्चुअली थिंक यू एंड प्रियंका कैन नेवर बी फ्रेंड्स अगेन, स्पेशली इन द शो डिड यू एवर फील लाइक रीकिंडलिंग स्टफ विद हर? फर्स्ट ऑफ ऑल, शो के अंदर रीकिंडलिंग वाला स्टफ कहीं ना कहीं, अगेन इवन दो आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ विद हर, शो में कहीं ना एक बारी के लिए एक वीक मुकाम आया था जहाँ पे, बिकॉज शी वॉज दी ओनली पर्सन आई न्यू जो मेरे पास को जानती थी और मुझे जान सकती थी, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट ले सकती थी, बट सपोर्ट तो क्या, 4 थप्पड़ और ही आ गए सामने से, वो फिर से गलती कर दी मैंने. सो बेसिकली नो, इट्स अ बिग नो, बिग नो, नो रीकिंडलिंग, नथिंग, जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट. ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हर इज, डिड यू फील प्रिंस सर पिकिंग आशिका ओवर यू वाज द राइट डिसीजन एज प्रिंस सॉ हर एज हिज फाइनलिस्ट इवन दो यू परफॉर्मड एवरी टास्क प्रीटी वेल? गुड क्वेश्चन. It just leaves me very confused कि प्रिंस भाई जब आपको पता ही था आपको कौन सी फीमेल कंटेस्टेंट अपनी आगे लेके जानी है, आपने मुझे गैंग में लिया ही क्यों? यार ये फैन पेज सही क्वेश्चन पूछता है, मैं अगली बार इनसे ही पूछूंगी भाई क्वेश्चन बताओ. ओके, ऑल्सो डिड यू थिंक यू वुड हैव परफॉर्म बेटर एंड फोकस्ड मोर ऑन योर गेम अगर आपकी एक्स वहां नहीं रहती? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये मैं आपसे पूछ ही चुकी हूं. वो नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो टास्क अच्छे परफॉर्म करते थे, टास्क तो मैंने वैसे ही फाड़े हैं सारे के सारे, ऐसी बात नहीं है, बट जो एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट होती है लोगों के साथ जाके बात करने की, कहीं ना कहीं शी हैज अ मोर सोशल पर्सनालिटी देन आई डू. मैं काफी एज अ बॉक्सर तो मैं काफी रिस्ट्रिक्टेड रहती हूँ, इतना जल्दी आगे नहीं आती हूँ, लोगों को लगता है एटीट्यूड में घूम रही है, पर नहीं, मेरी तुमसे ज्यादा फटी है तुमसे बात करने में आने के लिए. सो ऑल आई वांटेड कि कोई मेरे पास आके मुझसे एक बारी पूछे तो बात तो करे, बट मेरे पास कोई नहीं आया. ये मैं भी खुद एक, मैं आई वांट टू मेक अ कन्फेशन, आई व्हेन आई कांटेक्टेड पीयू आई वाज लाइक यार मुझसे बात की, मेरी तो सांस ही रुकी पड़ी, मैंने कहा ईगो हर्ट 101 101, एंड देन व्हेन शी कांटेक्टेड शी सो स्वीट, आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब मैं बट मेरी बेइज्जती नहीं हुई गाइस, आई एम देयर. बेइज्जती नहीं थी बाबे, वो जस्ट नहीं, वो मैं आपको वही तो बोल रही हूँ, आपका ही पॉइंट बड़ा कर रही हूँ कि आप एक्चुअली अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करे तो यू, ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो हाँ आई एम द स्टार व्हाटएवर फक यू, ये सब नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते. अपने फैन पेजेस के लिए और अपने ऑडियंस के लिए आप कुछ बोलना चाहोगे एट द एंड ऑफ द डे? आई लव यू गाइस, मतलब मुझे पता नहीं था इस टाइप का भी लव एग्जिस्ट करता है और इस टाइप के लव से ऐसी मोटिवेशन मिल सकती है लाइफ में, जहाँ पे मेरे साथ जो भी चीजें हुई हैं, कुछ भी हुई है, उसको मैं
लिटरली बैंक छोड़ के इतना ज्यादा इस वक्त मोटिवेटेड हूँ आप लोगों के लिए काम करने के लिए, खुद के लिए परफॉर्म करने के लिए. आज की डेट में मैं 12 से 14 घंटे काम करती हूँ, रोज के लगाती हूँ विद माई प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग. आई एम मेंटेनिंग माई डाइट एंड आई एम हैविंग सच सॉर्ट ऑफ अ स्केड्यूल जहाँ पे मुझे अपनी लाइफ में कभी इतने मजे नहीं आए काम करते हुए जितने मुझे लाइफ में इस वक्त आ रहे हैं. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड आई लव यू सो मच. मतलब मैं जितना बयां करूंगी उतना कम रहेगा, तो इसलिए मैं आपको काम करके दिखाऊंगी एंड आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू गाइज. और एक दो बारी कर दूँ तो इंसान समझ के माफ कर देना, बट या पर मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगी. मैं अपनी साइड से जितना एंटरटेनमेंट और जितनी नई चीज़ें और जितना टैलेंट मैं अपना शो केस कर सकती हूँ मैं करूंगी, जितने एफर्ट्स लगेंगे मैं करूंगी. एंड जस्ट स्टे विद मी, जर्नी बहुत लंबी है, आई एम टेलिंग यू दैट फॉर अ फैक्ट. एंड अभी हमने बहुत आगे जाना है एंड मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी अपने थ्रू. थैंक यू पीहू फॉर डूइंग दिस फॉर मी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. Guys, honestly speaking, one of the best interviews I've had so far. She's really inspiring. Go follow her on Instagram. I'm dropping the link here and stay tuned Yay. for next Wednesday. Thank you, Yay. Pihu. Bye. It was lovely having you, Same man. here, same here. Bye, guys. Bye-bye.